पहले का नाम एक अच्छा कपड़ी था, एक अच्छा कपड़ी था पहले का नाम किसका? एक गांव का एक चक्रापुरी बाद में बहुत धान्यपुरा आया, बहुत धान्यपुरा बाद में और गोल्डन पार्टी इसका क्या है? एक चक्रापुरी एक चक्र कहते हैं, एक ही चक्र लगाए एक चक्कर लगाती है सारे कल्प में कि दूसरा चक्कर लगाती है। आत्म की स्थिति में स्थित हो गए, पक्की आत्मा बन गए तो एक चक्कर लगा लेंगे, अगर पक्की आत्मा नहीं बने कच्ची आत्मा बने तो हो सकता है द्वापर युग से आगे जन्म ले, तो एक चक्र होगा कि आधा चक्र होगा है? द्वापर युग से जो आत्मा जन्म लेगी तो द्वापर में जन्म लेगी, कलयुग में जन्म लेगी, त्रेसर जन्म लेगी, तो आधा ही चक्र तो लिया, तो एक चक्र तो नहीं हुआ। इसलिए यहाँ की आत्माओं ने एक चक्र पूरा ही लगाया होगा, जो एक चक्र पूरा लगाएंगी तो दूसरे धर्म में जाएंगी या देवी देवता सनातन धर्म में आएंगी है? देवी देवता सनातन धर्म का पक्का स्वरूप है सूर्यन जी, उसमें आवेंगे। हो सकता है किसी ने नाम डाल दिया और चक्रापुरी, यार हमें एक पूरा ही चक्कर लगाना है, अधूरा चक्कर पौना चक्कर चौथाई चक्कर नहीं लगाना है, पूरा चक्कर वही लगाएंगे जो पूरे चौरासी चौरासी जन्म लेंगे। चौरासी का चक्र लगाया हुआ कल्प में एक ही चक्कर, भले चौरासी जन्म लेने पड़ते हैं, कहते हैं चौरासी का चक्कर, लेकिन चौरासी चक्कर लगाते हैं एक कल्प में या एक चक्कर लगाते हैं है? चौरासी चक्कर लगाते हैं, चौरासी तो जन्म लेते हैं, चक्कर कितने लगाते हैं? एक कल्प में एक ही चक्कर लगाते हैं। तो ये बात समझी होगी अच्छी तरह से कि हमको पूरा एक चक्कर लगाना है, अधूरा चक्कर नहीं लगाना है, और देवी देवता सनातन धर्म का पक्का बनना है, क्योंकि जो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं होती है वो कितने जन्म लेती है? है? पूरे 84 जन्म। अगर एक जन्म भी कम लिया तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, दो जन्म कम लिए तो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तीन जन्म कम लिए तो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। माना सत्युग में तो आवेंगे, लेकिन अगर सत्युग में जन्म कम लिए तो कम कला वाले नारायण के फॉलोअर प्रजा बनना पड़ेगा, और जो कमजोर कला वाले नारायण के फॉलोअर बनेंगे तो नारायण जब कन्वर्ट होगा दूसरे धर्म में तो उसके साथ साथ हम भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारा कम जन्म हो ये हमें विश्वास नहीं करना है पक्का कि हमारे कम जन्म है, क्या पक्का करना है कि हमारे पूरे 84 जन्म हमने शिक्षा के चक्कर में पूरा ही चक्कर लगाया है एक, और हम एक बाप के बच्चे हैं। क्या एक बाप के बच्चे होंगे वो पूरा ही एक चक्कर लगावेंगे, नहीं तो कन्वर्ट हो जाएंगे दूसरे धर्म में तो दूसरा बाप हो जाएगा इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट कोई ना कोई, तो एक बाप के बच्चे तो नहीं हुए। कोई कोई तो ऐसे हैं जो जन्म बाई जन्म दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं, जैसे आज जमा जी इतना कन्वर्ट होते हैं कि धर्म के ऊपर उनकी श्रद्धा ही उभर जाती है, कहते हमें कोई धर्म की अपेक्षा नहीं, धर्म रह पर इच्छा राजी चाहिए हमें, क्या तुम कोई धर्म को मानो वोट हमको देते रहो।
अच्छी बात है ना, यही चक्कर लगाएंगे तो धमधाम से भरपूर रहेंगे। धमधाम से भरपूर कौन रहेंगे? जो एक भगवान के बच्चे होंगे, जिन्होंने एक पाप बनाया होगा जन्म जन्मांतर, और जिन्होंने ढेर के ढेर पाप बना लिए, क्राइस्ट को भी बाप बना लिया, महात्मा बुद्ध को भी बाप बना लिया, गुरु नानक को भी बाप बना लिया, ढेर के ढेर धर्म हुए और ढेर के ढेर धर्म पिताएं बनाए, तो बहुत बाप बनाना है, ये तो खराब बात हो गई है। अच्छा कर्म हुआ बुरा कर्म हुआ? बुरा कर्म हुआ। अब हम हमारा खून ही खराब हो गया, तो जिनका खून खराब हो गया वो तो खराब कर्म करेंगे, खराब कर्म करने वाले जो हैं वो फिर बहुत धन धान्य संपन्न कहाँ बनेंगे? खराब खून हुआ तो बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि खराब होती है तो धन संपत्ति भरपूर नहीं मिलती है। देखो इस्लाम धर्म में जो कन्वर्ट होके चले जाते हैं अरब देश में, वहां कुछ पैदाइश होती है, हैं? वहां धन धान्य पैदाइश होती है नहीं? वहां तो रेत ही रेत, रेगिस्तान ही रेगिस्तान, कुछ पैदाइश नहीं। इतने भूखड़े बन जाते हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करते हैं, यहां लूट लपाट करके खाते हैं, चोरी चकारी और डकैती करके खाते हैं। तो एक भगवान के बच्चे बने कि अनेकों को बाप बनाया, उन्होंने अनेकों को बाप बना लिया, तो बहुत धन धन धान संपन्न नहीं बन सकते। कौन बनेगा बहुत धन 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 धान संपन्न? एक बाप बनाने वाला बहुत धन धन संपन्न बनेगा। बढ़िया है इस गांव का नाम बोधन पड़ गया है, बहु धन धान संपन्न से बदल करके क्या पड़ गया है? बदल करके फिर बोधन, बोधन का मतलब जिनको बोध है, बोध माने ज्ञान है, जिसका ज्ञान है ईश्वर बाप का ज्ञान है। जिसको अपने बाप का ही ज्ञान नहीं है तो उसे सारी दुनिया का ज्ञान हो जाए तो भी अच्छा तो नहीं माना जाएगा क्या? जिसको अपने बाप का ज्ञान नहीं और सारी दुनिया का ज्ञान है, कोई पूछे किसके बच्चे हो तो अपनी अम्मा का नाम बताएगा, बाप का नाम बताएगा नहीं, तो समझ पूछने वाला समझ जाएगा ये रंडी पुत्र है, तो खराब खून हो गया ना। बाबा टाइटैनिक ओशन में टाइटैनिक डूब गई, अटलांटिक ओशन उसका रहस्य क्या है? कब डूब गई? डूब गई ना कब? बोले उसी से मैंने हिस्ट्री में कभी आया कभी डूब गया, डूब गया बोल के आए। हाँ मैं में आए। हाँ पेपर में आए। कब आया? ओ ये बोर्डिंग का बात बाबा, डूब गए गांव, गांव गए डूब गए। हाँ देखो बोलने पर आओ ना मकर में जहाज डूब गया, बड़ा जहाज बनाया। हाँ। वो जहाज भी है, इतने बड़े बड़े जहाज बनाते हैं जैसे लगता है कोई शहर बसा हुआ है बहुत बड़ा, क्या उसमें लाखों लोग रह जाए, इतना बड़ा बड़ा जहाज बनाते हैं और समुद्र के अंदर दौड़ता है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई होती है। किसी जहाज का नाम रखा क्या? टाइटैनिक। हाँ उस जहाज का नाम रखा टाइटैनिक, डूब गया। अरे तुम कितने भी टाइट बनाओ, मनुष्य की बनाई हुई चीज तो भसा भी होगी, विनाश ही होगी, आज नहीं तो कल विनाश हो जाएगी है। जब इस सारी ही सृष्टि का विनाश होता है तो मनुष्य की बनाई चीज का विनाश नहीं होगा? भगत कभी दिन खत्म कर दिया है तो
भीम ने बकासुर को मारा जंगल ये कहानी है। अच्छा अच्छा तो बकासुर माने आपको बक बक करने वाला झूठी बातें बोलने वाला है वो कहा जाता है बकासुर। बक माने बगुला, बगुला क्या करता है, बगुला एक टाइम से खड़ा हो जाएगा है, लोग देखेंगे अरे ये तो बड़ा भारी तपस्वी है, खूब तपस्या करता है, लेकिन थोड़ी देर ध्यान से देखो तो जैसे ही मरी हुई मछली आएगी फटाक से गप करके फिर एकता पर खड़ा हो जाए, उसको बगुला कहा जाता है। ऐसे बगुले जो होते हैं जिनका खान पान भी अच्छा नहीं होता है, जिनका रहन सहन भी अच्छा नहीं होता है, वो आत्माएं बगुले कही जाती है। जैसा जब आया वैसा अपना भेष बना लिया, वैसा ही उन्होंने अपना अन्न दोष की परवाह नहीं करते, संग दोष की भी परवाह नहीं करते, जब जैसा आया तब तैसा अपने को मोड़ लिया, अवसरवादी है। तो ऐसे अवसरवादी झूठ बोलते रहते हैं, और जो झूठ बोलने वाला होता है उसकी पोल पट्टी जो समझ जाता है वो समझ लेता है ये बक बक करता है फालतू की, इसकी भगवत से कुछ लेना देना नहीं, कि चक्कर में नहीं आना चाहिए। ऐसे बकासुरों को भीम से खलास कर देता है। रकस पेटा उसका नाम है, रकस पेटा बोल के नाम भी है बाबा गांव का। अच्छा रकस पेटा, रकस राक्षस को मार दिया ना। जी राक्षस का पेट है क्या? नाम भी पड़ा, काम भी नहीं है गांव का। राक्षस को मार दिया भीम ने बकर दिया। ठीक है। और बाबा भोजन में गौ का सेवा नहीं हो नहीं बाबा सेवा नहीं हो रही क्या? अरे आज भी सेवा नहीं हो रही, मध्य में नहीं हो रही तो अंत में हो जाएगी। जब बोध पैदा होगा, जब बोध होगा, बच्चा अबोध होता है, बच्चा जब अबोध होता है तो उसको ज्ञान नहीं है। आखिर अभी अबोध है तो बड़ा होके बोध आएगा कि नहीं आएगा? तो बोध हर हो जाएगा है, ऐसी बात नहीं होगी, ढेर सारे निकलेंगे। बाबा पुराने दुनिया के विनाश में प्रकृति में क्या क्या चेंजेस होते रहेंगे, पंचभूत में क्या चेंजेस? प्रकृति तमो प्रधान होती जाएगी, तमो प्रधानता में क्या चेंजेस होते हैं? सतो प्रधान चीज होती है सुखदायी होती है, तमो प्रधान होती है तो दुखदायी होती जाती है। पहले नदियों में थोड़ी बाढ़ आती है, सत्यु त्रितम द्वापर कलयुग शुरू हुआ, नदियों में बाढ़ आने लगी, कितने बोड़ बोड़ गांव हो जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। नहीं तो नदियों में तो लोग स्नान करके कितने शीतलता अनुभव करते हैं, नदियों से कितनी सिंचाई होती है खेतों की, कितनी पैदाइश होती है। तो नदियां जो सुखदाई हैं वही नदियां दुखदाई बन जाती हैं, नदियां ही प्रकृति का एक हिस्सा है, प्रकृति के पांच तत्वों से ये सृष्टि बनी है, मनुष्य सृष्टि इसको कहा जाता है। जब ज्यादा तमो प्रधानता बढ़ेगी तो विनाश होगा। बाबा एक जगह बैठ के बाबा को याद करने में और काम करते चलते फिरते याद करने में क्या अंतर? अंतर ये है कि जब चारों दुनिया में विनाश होगा तो लोग हमें एक जगह बैठने देंगे, और हमने एक जगह बैठ के याद करने की प्रैक्टिस की तो याद की यात्रा में हम फेल हो जाएंगे या पास होंगे? फेल हो जाएंगे। इसलिए क्या करना है कि चलते फिरते उठते बैठते काम करते हर समय याद करने की प्रैक्टिस करनी, बैठ के याद कम किया होगा तो आंखें बंद करके याद किया होगा, चलते फिरते उठते बैठते काम करते याद किया होगा तो आंखें खोल के याद किया होगा,
तो आंखें खोल करके याद कर लेना और ज्यादा फायदा है। हाथ बंद करके याद करना कि कोई देखने में ना आ जाए, तो कायरता हो गई। क्या क्या कायरता हुई कि आंखें खुली हैं और हमने किसी को देख लिया तो बस हो गया सत्यानाश, तो ये कायरता हो गई। नहीं, थाली सामने पड़ती हुई हो और फिर भी ना कोई खाए तब कहेंगे त्याग किया। क्या त्याग किसे कहेंगे? इंद्रियां जो है सालिम हो, इंद्रियां शक्तिशाली हो और शक्तिशाली होते हुए भी अपने विषय का भोग न करें तब कहेंगे इंद्रियां शक्तिशाली। इंद्रियों में ताकत ही नहीं है फिर कह रहे हैं हमने हमने तो भोगों को जीत लिया, हम तो अभोक्ता हो गए। ये कोई बड़ी बात थोड़ी, 10 साल कोई कैद में रहे फिर बाहर निकल के गए हमने 10 साल इंद्रियों को कंट्रोल किया, तो ये सच्ची बात है, है? ऐसे झूठी बात हो गई, ऐसी फालतू जिंग मारने वाली बात हो गई। असलियत ये है कि इंद्रियां जो है वो काम करें, हम कार्य व्यवहार में रत रहें लेकिन बुद्धि दूसरी जगह लगा दे। जैसे रास्ते में कोई आदमी जा रहा है कारखाने में जा रहा है, अब उसकी बिल लगी हुई है किसी लड़की के साथ, रास्ता जा रहा है तेजी से, आंखें खुली हुई हैं, वो अपनी महबूबा को याद कर रहा है, सामने से ढेर सारे लोग निकलते चले जा रहे हैं। बाद में उससे कोई पूछे तुम्हारी आंखों के सामने में से कौन कौन निकल गया, तो मुझे कुछ याद नहीं। क्यों नहीं याद? क्योंकि मन मन दूसरी तरफ था, इसलिए आंखों ने खुले होते हुए भी कुछ भी नहीं देखा। ये तेज इंद्रियों की बनानी है, ये अकेली आंख की बात नहीं है, क्या सभी इंद्रियों की यही स्टेज बनानी है कि इंद्रियां कर्म करें लेकिन कर्म का फल न भुगते। वो तब होगा जब मन परमात्मा की याद में ऐसा लगा हुआ हो कि एक शिव बाबा दूसरा हमको याद आए। तब हम विजयी हो जाएंगे, दुनिया का कोई भी आकर्षण हमको खींच नहीं सकेगा। बाबा ओ सूर्य के लिए आते हैं सुबह बाबा, सूर्य के लिए सूरज के लिए तो अपने वातावरण के ऊपर एक ओजोन का पर्दा लगा है तो बोलते ना, वातावरण के ऊपर नहीं लगा, आकाश में एक ओजोन परत है, वो ओजोन परत फट रही है गर्मी की वजह से। हाँ, तो यहाँ भी ऐसे ही जो शिव बाबा है वो सूर्य है, क्या वो ज्ञान सूर्य है, और ज्ञान सूर्य जो है वो समय सृष्टि पर आया हुआ है, क्या ज्ञान सूर्य सृष्टि पर आया हुआ है, चारों तरफ गर्मी बढ़ रही है विकारों की, विकारों की गर्मी बढ़ने से और मनुष्यों के अंदर क्रोध काम ये बढ़ने से संसार का जो वातावरण है वो प्रदूषित हो रहा है, और जितना ज्यादा वातावरण प्रदूषित होता जाएगा वैसे वैसे आसमान का जो ऊंचाई है ऊंची स्टेज वो ऊंची स्टेज में सूराख हो जाता है। अब जहां सूराख हुआ वहां से वो सूर्य की किरणें सीधी आगे गिरेगी, वो सीधी जो किरणें हैं वो अनेकों प्रकार की बीमारियां पैदा कर देती है। यहां भी ऐसे ही है, ज्ञान सूर्य जो है ना वो इस समय खूब तेज ज्ञान की किरणें फेंक रहा है, और ज्ञान की किरणें जब जितनी ज्यादा तीव्र होती जा रही है उतना ही आदमी के अंदर दुनिया में विकार भी
बढ़ते चले जा रहे हैं। तो विकारों के बढ़ने के कारण क्या होता है कि वो वातावरण जो है इतना प्रदूषित होता जा रहा है कि अब वो ज्ञान की किरणों को सीधे सही तरीके से ग्रहण ही नहीं कर सकता, उल्टा ही उठाता है, तो बीमारियां बढ़ रही, मानसिक बीमारियां भी बढ़ रही। आखिरी ऐसा हो जाएगा कि चारों तरफ बुद्धि भ्रष्ट होने से विकृतियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी, अति हो जाएगी। इसको कहते हैं बाबा गॉड रेंज का ताला। गॉड माने भगवान, रेंज माने किरणें, और उसका ताला। अरे भगवान की किरणें जो है वो ताला लगाना चाहिए या भगवान की ज्ञान की किरणें ताला खोलना चाहिए? खोलना चाहिए, लेकिन क्या हो जाता है फिर? ताला लग जाता है। भगवान के ज्ञान को जब मिसयूज करते हैं तो फिर ताला लगता है, मुझे सारी ज्ञान की बातों को उल्टा उल्टा उठाते हैं। भोजन के बाहर से कौन कौन आया है? एक दो तीन चार पाँच छः सात, सब बाहर से ही आए। भोजन के अंदर कौन है? आप अकेले? बस तीन आत्मा भोजन से आप तो है ही है। बाहर के गांव गांव से कहा, कौन कौन से गांव से आए? मुचकुंदा, मुचकुंदा, मुचकुंदा। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर? तो फिर क्या 7 दिन में एक बार आते हैं, महीने में एक बार आते हैं? हैदराबाद में जाना होता है। नीलंगा में जाते हैं? हैदराबाद जाते हैं। ये लड़का पूना में रहता है? ये पूना में है। डाउन को आता है? डाउन सेंटर, डाउन में आता है। डाउन में आता है। अच्छा अच्छा। और यहाँ गीता पाठशाला में कभी कभी आना होता है? महीने में एक बार संगठन होता है। और निजामाबाद में कोई गीता पाठशाला नहीं खोली अभी तक? सेवा केंद्र तो ब्रह्मा कुमारी में पड़े। अच्छा, गीता पाठशाला चल रही है? अच्छा, कितने लोग आ जाते हैं रोज? रोज कितने आते हैं वहाँ? 3 लोग? 5 लोगों का क्लास चल रहा है। अच्छा। यहाँ तो बाबा दूर दूर है, माता दूर है, माता भी दूर है, वो माता भी दूर है, बाद में कब कभी आते रोजाना सुबह शाम क्लास करते। कभी बोधन की संख्या ज्यादा थी? नहीं जी, पाँच थी, एक ही सफाई है, बाद में 5 हो गए। अच्छा, वो कितनी दूर है यहाँ से? 99 में अभी 10 साल से हैदराबाद
गीता पढ़ना लगे दो तीन इकट्ठे हो जाओ कहीं भी किसी भी घर में, कभी आपके यहाँ कभी उनके यहाँ कभी यहाँ बीके वाले सुनते हैं तो भाग जाते हैं, एक दो लोग आने लगे हैं। अच्छा अच्छा एडवांस वाला भी तीन लोग आता है, एडवांस वाला बढ़ती इतना नहीं उनका बहन है विजय माता, हम पहले बढ़ती कर रहे के आए हैं बाद में गिर गए। अच्छा अच्छा कमर गिर गए, ठीक है। बाबा मैं भी पहले गीता लाइटनर में गीता पास में जाता है, हाँ। अभी हैदराबाद में है मैं। अभी आप हैदराबाद बालनगर में है? अच्छा अभी कहाँ से? अभी हैदराबाद से। काम है ना, काम के लिए आया। काम के लिए आया तो यहाँ पता चला जी बाबा बहन है, माता जी की बहन है। अच्छा बोधन को नजदीक है लोग, पहले कहते थे अभी भी कहते हैं लोग कि जब विनाश होगा तो 80 कोस के बीच में एक ही दीपक जलेगा। क्या 80 कोस के दायरे में एक ही दीपक जलेगा? 80 कोस माने 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर के दायरे में एक ही दीपक जलेगा। देखने में आ रहा है 75 के बाद सब मरे पड़े हैं ब्रह्म भगवान। क्या कहते हैं भगवान भगवान भगवान, लेकिन कहते हैं भगवान सर्वव्यापी नहीं है, सर्वव्यापी नहीं। फिर उनसे पूछा जाए सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी बताओ कहाँ है, तो जानती तो मुर्दे होके चल रहे हैं या जिंदा है? मर गए तो 76 में ही मरे हुए हैं सब, 70 किलोमीटर में कहीं एक आत्मा निकलती है ज्ञान में एडवांस में, जो ये समझती है कि भगवान कहाँ आया हुआ है, कैसे कार्य कर रहा है, किस मुकर्रर रथ में है, कब कार्य पूरा होगा, कब तक नई दुनिया बनेगी, नई दुनिया बनाने वाली मुख्य मूर्तियाँ कौन कौन हैं, जिन तीन मूर्तियों की यादगार में हमारा झंडा ऊंचा किया जाता है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विश्व विजय करके दिखलावे, वो तो दुनिया वाले कह देते हैं कपड़े का झंडा विश्व विजय कैसे करेगा, ये तो शरीर रूपी वस्त्र हैं, शरीर रूपी कपड़े हैं, तीन तरह के कपड़े हैं, एक ब्रह्मा एक विष्णु एक शंकर, तो जानते हैं क्या 70 किलोमीटर के दायरे में एक आत्मा इस बात को जानती है कि वो तीन कपड़ों का झंडा कौन सी आत्मा है, ब्रह्मा के रूप में कौन सी प्रत्यक्ष होगी, विष्णु के रूप में कौन आत्मा प्रत्यक्ष होगी, शंकर के रूप में कौन सी आत्मा प्रत्यक्ष होगी, कौन सी तीन आत्मा है जो सारे विश्व के ऊपर परचम फैलाएंगी। बीके से आए गुड़वाड़े से आए, एक माता आए ट्रांसफर हो गए इधर,
उनका रूरल इंजीनियर था आके तो बीके का सेंटर नहीं तो निजामबाद गए नहीं। निजामबाद जाने के बाद नीला दादी के पास गए तो नीला दादी बोले निजामबाद में है बोल के निजामबाद जाके उनको बुला के यहाँ रख दिया। गीता पाठशाल खोल दिए बीके का। खोलने के बाद बाद में एक दिन हमारा फिरा था मुझे सामने ऐसे जा रहे बारिश पड़ रहे घर से सामने आके खड़े रहे। एक आदमी बात करो खड़े रहे तो आ जाओ घर को अंदर बैठो बारिश पड़ रही किधर जा रहे बोल के मैं बोली थी। बोली तो हम गीता पाठशाला को जा रहे मुरली सुनने को जा रहे मुरली दो टाइम नहीं सुने तो हमको समझ में नहीं पाते इसलिए जा रहे। गीता पाठशाला है क्या को क्या है बोले मैं बोली थी हाँ आ जाओ बोल के बोली हमारा निरंत एक घर में उनका बहन तो हाँ आ जाओ वहाँ शायद क्यों हूँ जा बोल के बोले कब कब जाना कब कब सुबह होता कब कब जाना बोल के दिल ऐसा लग रहा हमको। दूसरा दिन चले गए जब से शुरू हो गया। अच्छा समझ लिया। हाँ समझ लिया बंद रहा किया एडवांस था मालूम पड़ा मोटा पानी के बाद पहले से मालूम होता 84 में बाद में 94 93 में मालूम 93 में मालूम 94 95 में बाबा के पास आया बैठी करके आया। एक ही था बाबा हमको हिंदी तो नहीं आता कैसा बाबा हमको कैसा करना बोलते वही से दिल में वही था कैसा इतना बात भी नहीं आता था जब हिंदी बाद में फिर भाई ये माता माता आ गया और उन्होंने निकाल दिया बीके बाद में रखा और निकाल दिया बीके ऐसा ऐसा कर रहे हैं। अब टीचर पूरा बीमारी हो गए किडनी फेल हो गए कैसे कोमा बात नहीं कर रहे कुछ नहीं कर रहे महाविराज हॉस्पिटल में है पड़े हुए अभी हैदराबाद में है महाविराज हॉस्पिटल में है निजामबाद का टीचर। बाद में ब्रह्मा कुमारी को पता चला होगा तो उन्होंने बद्दुआ दे दी अच्छी तरह से। एक बार आ गया एक बार आया घर के आके क्या चल रहा है आप कैसा चल रहा है हमको जेल को पकड़ के ले जाते हैं ऐसा ऐसा बोल देगा डाल जाओ मैं आऊंगी पैसा डालते हैं वैसा ऐसा वैसा हमारे युगल भी आया था कुछ भी नहीं बोला हम तो क्यों वो डालते क्या झूठ काम किया कैसे वो डालते बाबा का है ना ऐसा मैं बोले तो तुरंत चले गए। धमकी देना है धमकी देकर धरना धराना जीते वाला बाबा जैसे राम की सेना है बंदर क्या करता है हाथी जाता है उसको भी घोड़े मार अब वो हाथी छोड़ा था बंदर क्या घुड़पी मारेगा उसको। बाबा हिंदी तो बात करते थे मैं लिखना अच्छा आना ना मैम तो नहीं आ रहा अभी तक पूरा बात है की मैम तो वैसे दिल में आ रहा है अंत में माउंट आबू सब इकट्ठे हो जाएंगे सबको हिंदी आ जाएगी। सोसाइटी मूव करने से हिंदी आती है। क्रिश्चियंस की सोसाइटी में बैठेंगे तो अंग्रेजी बोलना अपने आप आ जाएगी। मुसलमानों की सोसाइटी में बैठेंगे तो उर्दू बोलना अपने आप आ जाएगी। ऐसी दो चार साल फरक्काबाद में रहे हो दिल्ली रहे हो इंडिया अरे दिल्ली छोड़ो फरक्काबाद छोड़ो हैदराबाद में आ जा के रहे हो हैदराबाद सेंट्रल हिंदी आ जाएगी बोलने नहीं आ रहे बोलने नहीं आ रहे लिखने का था बाबा सबको बोलते बाबा बात करने को क्लास में सबको बोलते एग्जाम जो जो आए वो बोल सब बोलते मगर आपको क्वेश्चन पढ़ना हो तो आपको उनको आ रहा नहीं कुछ बाबा से पूछो उनको ना बोल रही। जितना जगदम्बा ने सहन किया है इतना कोई और कन्या ने सहन किया है।
विजय माला के कोई मणके ने इतना सहन किया है, है? किया है नहीं किया है, तो नहीं किया है तो प्राप्ति भी नहीं होगी। जिसने सहन किया है, जिसने तन मन धन अर्पण किया है, तो उनको प्राप्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए तो होगी, तो राज करेगा साल पर, तो उसके राज में पलाओ क्या? पलना अच्छा लगता है या नहीं पलना अच्छा लगता है? अरे महाकाली के राज्य में पलना अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है? हैं? अच्छा लगता है, माने महागौरी का राज्य नहीं चाहिए, लक्ष्मी दोनों चाहिए, इस हाथ में लड्डू इस हाथ में भी लड्डू, इसलिए ये ड्रामा बना हुआ है क्या? ये भी होगा कि सारी दुनिया में राज करेगा खालसा, सूर्यवंशियों के ऊपर राज्य नहीं करेगा, वो गुप्त हो जाएंगे क्या? जैसे नेपाल में नेपाल के राजा ने राज्य किया, अंतिम राजा ने नेपालियों के ऊपर राज्य किया या माओवादियों के ऊपर राज्य किया? अरे किसके ऊपर राज्य किया? नेपालियों के ऊपर राज्य किया, माओवादी गुप्त होकर रहे दक्षिण भारत में, कौन था वो डकैत? वीरप्पन, वीरप्पन हम मर तो गए, बात तो सुनो पहले, तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर राज्य किया या वीरप्पन के ऊपर राज्य किया? राज्य किया, वीरप्पन के ऊपर राज्य नहीं किया, और सारा जीवन स्वतंत्र होकर के घूमता रहा। ऐसे ही दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां आज, जैसे अमेरिका, दुनिया के कितने देशों के ऊपर राज्य कर रहा है, कंट्रोल कर लेता है, दाब के रख लेता है। कितने मुस्लिम देशों को अमेरिका ने दबोच लिया, दबोचा कि नहीं दबोचा? दबोचा। कौन बच गया, कौन बच गया जिसको नहीं दबोच सका? हाँ, ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन क्या उसको नहीं दबोच सका? उसका नाम क्या है? ओ शाम आ गई क्या? ओ शाम आ गई, ओ शाम आ, बिना लाए दिए नहीं छोड़ूंगा, जो कुछ तेरे पास तन मन धन जो कुछ भी है वो सब अर्पण कर दे क्या? जब तब सब कुछ ला करके अर्पण नहीं करेगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं वो आतंकवादी है, हद का लादेन या बेहद का लादेन? ब्रह्मा कुमारियों की दृष्टि में कौन सा लादेन आतंकवादी है?
है बेहद काला देन। वो ब्रह्मा कुमारियों से भी कहता है तुमने स्वतंत्र होकर के जितनी बड़ी बड़ी महलमानियां अटारियां बनाई हैं, जितना बैंक बैलेंस इकट्ठा किया है करोड़ों का, क्या चोरी की है ना ब्रह्मा बाप की? वो सब ला के दे, जब तक ला के देगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। क्या छोड़ देगा? हिसाब किताब लेगा नहीं है? लेगा। अब व्यक्तवाणी में बोला है ऐसा भी टाइम आवेगा जो सब टीचर्स को ट्रांसफर करेंगे। क्या बेसिक वाले जो भी बड़ी बड़ी टीचर्स हैं, जोनल इंचार्जेस बनी बैठी हैं, वो ट्रांसफर हो रही है? है कि जहां जम के बैंक बैलेंस बना के बैठ गई तो बैठ गई, हिलने वाली नहीं है। कहती है कौन है भगवान तो आकर के हमें हटाए, कहती है कि नहीं? कहती है, समझे बैठी है। बाबा क्या कहते, बाबा क्या कहते मुरलियों में? अरे बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। कौन आया हुआ है? बाप आया हुआ है, छोड़ेगा नहीं। बाबा बाहर तो नहीं है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया तो अच्छा है, हाँ माता जी पूछ रही हैं बाहर की दुनिया में सब अच्छा है, ये आंध्रा में क्या लड़ाई झगड़ा पड़ा हुआ है? जब लड़ाई झगड़ा नहीं था तो कुदरत के तूफान यहाँ ढेर के ढेर आते रहे। ज्यादा तूफान कौन से प्रदेश में आए? आंध्रा में आते रहे। अब जब कुदरत का तूफान आता तो मनुष्यों ने तूफान पैदा करना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों होता है? माता जी का प्रश्न है कि आंध्रा में ही ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है जैसे बेसिक में अंदरों का स्थान कहें या सोजरों का स्थान कहें, अंधरों का स्थान है। जब हैं ही अंधे धृतराष्ट्र की औलाद, किसकी औलाद? अंधे की औलाद, अंधे, तो मुसीबतें आएंगी या नहीं आएंगी? है? है? आएंगी। और उन मुसीबतों से बचने का तरीका है जो अव्यक्त बाप दादा ने बताए दिया। क्या तरीका बताया? तरीका बताया कि अंधे जो हैं धृतराष्ट्र और उनकी औलाद कौरव, उनके मजबे में कुंती बैठी हुई है, उनके परिवार में घर में कौन बैठी हुई है? कुंती। विजयमाला की हेड
क्या उसका आवाहन करो, सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्या एक तरफ है आंध्रा, समंदर का कौन सा किनारा है, पूरब का कि पश्चिम का? पूरब का किनारा। और दूसरी तरफ है गुजरात, जिसकी अज्ञान की रात गुजर गई। क्या जहां अज्ञान की रात गुजर गई उनके ऊपर कोई ऐसी परेशानी खटका नहीं आता है, आंध्र के ऊपर ज्यादा क्यों आ रहा है? हद की भाषा में ये आंध्र है और बेहद की भाषा में वो माउंट आबू में बैठे हैं, वो साहब अंधेरे हैं। वहां माउंट आबू के आसपास जो अखबार छप रहे हैं उन अखबारों को आजकल जाकर के देखो क्या क्या उड़ रहा है, कितनी आफतें आ रही हैं उन अंधरों के ऊपर। जो मुरली और अव्यक्त वाणी में इशारा भी दिया है उस तरफ दिन ब दिन बिगड़ता जावेगा और इस तरफ दिन ब दिन सुधरता जावेगा। इसलिए एक ही नियम है, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। क्या जहां सुमति है वहां कोई चिंता नहीं, सब बातों से भरपूर मस्त रहो, बेगमपुर का बादशाह। और जहां कुमति दुष्टमति है तो दुष्टमति का काम है डिवाइड एंड रूल, टुकड़े टुकड़े करो और राज्य करो, जैसे अंग्रेजों ने किया, हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और दोनों के ऊपर कंट्रोल कर रहा है क्रिश्चियन। आज तेलंगाना, आंध्रा का दक्षिण साइड इसको डिवाइड कर रही है। कौन डिवाइड कर रही है, विदेशी है या स्वदेशी है? हाँ विदेशी है। नाम क्या है? नाम सोनिया गांधी। है और यहाँ आंध्र प्रदेश में ज्यादा वोटिंग किसकी है, ज्यादा पब्लिक जो है वो कांग्रेस की तरफ धुरी हुई है या जनता पार्टी की तरफ धुरी हुई है? है वहां मुख्यमंत्री कौन बना बैठा है, कांग्रेस का है? कांग्रेस का है तो किसका राज्य है, कांग्रेस का है या कोई दूसरी पार्टी का है? बारह कहते हैं कौरव कांग्रेस, तो कौरव कांग्रेस का राज्य है तो अंधे की औलाद अंधों का राज्य है, किसका राज्य है? अंधों का राज्य है। अंधों को फॉलो कर रहे हैं तो मुसीबतें भी आएंगी। नहीं समझ में आया? आ गया, चलो। तेलंगाना एक होता है घी और एक होता है तेल। क्या है घी और तेल, घी ज्यादा अच्छा होता है या तेल ज्यादा अच्छा होता है? घी ज्यादा अच्छा होता है।
है? अच्छा कोई ने प्रश्न लिखा है, बाबा भक्ति मार्ग में शंकर जी पार्वती की परीक्षा क्यों लेते हैं? भक्ति मार्ग में ही परीक्षा लेते हैं या ज्ञान मार्ग में भी परीक्षा लेते हैं? है? अरे सिर्फ भक्ति मार्ग में ही परीक्षा लेते हैं या ज्ञान मार्ग में भी परीक्षा लेते हैं? ज्ञान मार्ग होता है संगम युग में और भक्ति मार्ग होता है द्वापर कल युग में। तो द्वापर कल युग में जो भी बातें होती हैं या शास्त्र में जो भी बातें हैं वो कहाँ की यादगार हैं? संगम युग की। संगम युग में बोला है तुम सब कौन हो? पार्वतियां हो। तो जब सब तुम पार्वतियां हो तो पार्वतियों की प्योरिटी की परीक्षा ली जानी चाहिए या नहीं ली जानी चाहिए? सबसे बड़ी पवित्रता तन की होती है, धन की होती है, जन की होती है या मन की होती है? तो पार्वती के मन की तपस्या वो परीक्षा का गायन शास्त्रों में है। ऋषि मुनियों को भेजा कि उनकी परीक्षा लेके आओ, देखें मन हिलता है कि नहीं है। मन जो है वो भगवान एक को छोड़ करके दूसरों के ऊपर लुपायमान होता है कि नहीं? तो परीक्षा में पार्वती पास हुई या फेल हुई? पास हो गई। फिर ऋषियों की भी बात छोड़ दी, विश्वास नहीं हुआ, पता नहीं इन ऋषियों ने पार्वती की तपस्या कठोर को देख करके उनके ऊपर दया भाव दिखाई दिया हो, इसलिए खुद गए। क्या खुद साधु का वेश धारण किया और लगे ग्लानी करने? अपनी ग्लानी अपने आप ही करना शुरू कर दी तो भी पार्वती का मन हिला डुला नहीं सके। तो ये मन की परीक्षा हो गई। तो भक्ति मार्ग में ही परीक्षा नहीं होती है, प्योरिटी की परीक्षा ज्ञान मार्ग में भी होती है। प्रश्न आया है, भक्ति मार्ग में सीता राम का सहयोग देती है, क्या भक्ति मार्ग में सीता राम का सहयोग देती है? तो राम सीता का साथ क्यों नहीं देता है? जब धोबी सीता की ग्लानी करता है तो राम को साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ, सीता का साथ देना चाहिए ना, लेकिन राम साथ नहीं देता है और ही जंगल में छोड़ देता, इसका कारण क्या है? हाँ, कोई की बुद्धि में नहीं आता है? क्या कानून है? अरे वही अच्छा हो या बुरा हो उसको क्या? सच्ची है तो परीक्षा दे दी ना, अग्नि परीक्षा हो गई ना,
अग्नि परीक्षा हो गई, उस अग्नि परीक्षा में सीता जो है वो पार निकल गई। सोने की सीता साबित हुई या मिट्टी की सीता साबित हुई? सोना माने सच्चाई, तो फिर साथ देना चाहिए ना, फिर साथ क्यों नहीं दिया? तो नहीं बता रहा? अरे नारायण भाई ने हिम्मत की, कोई और हिम्मत करो थोड़ी है। हिम्मत की लीका को क्रॉस कर दिया। अच्छा तो रो ली ना रावण के राज्य में जाके, राम की याद में उसने पश्चाताप कर लिया कि नहीं है? कर लिया ना, हमसे भूल हुई गवा हमको माफी दे दे, पश्चाताप हो गया ना, बात खत्म हो गई। फिर साथ देना चाहिए ना। हाँ जगदम्बा की बात मत करो अभी, भक्ति मार्ग की सीता की बात करो, बाप को मोड़ो मत। सीता की गलती बताओ, सीता ने जब पश्चाताप कर लिया, अपनी गलती स्वीकार कर ली कि मैंने अगर लीका का उल्लंघन न किया होता तो मेरी ये दशा क्यों होती, रावण क्यों ले जाता, गलती मान ली ना, और फिर अग्नि परीक्षा में भी पास हो गई, फिर तो सहयोग देना चाहिए ना, फिर भी सहयोग नहीं दिया। इसका कारण ये है कि जो सीता वनवासिनी हुई थी, राम के साथ जंगल में गई थी, कहाँ गई थी? कांटों के जंगल में। वो सीता दूसरी थी, और जो सीता रावण की जेल में गई थी वो सीता दूसरी थी, सोने की मूर्ति। जो जंगल में गई थी राम के साथ, राम को सहयोग दिया था, वो सीता चैतन्य थी। क्या? चैतन्य बुद्धि थी। और जिस सीता ने रावण के पंजे में फंसने का कर्तव्य कर लिया, श्रीमत का लीका का उल्लंघन कर दिया, वो सीता सोनी की बनाई हुई मूर्ति थी, जड़त्व मूर्ति थी, जड़ मूर्ति थी या चैतन्य मूर्ति थी? जड़त्व मूर्ति थी, जड़ बुद्धि थी। जो जड़ बुद्धि है वो बाप को पहचानेगा या चैतन्य बुद्धि बाप को पहचानेगा? तो बाबा तो मुरली में कहते हैं मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को है? नहीं पहचानते। तो बताओ एडवांस पार्टी में कितनी सीताएं होंगी? अब आओ जगदम्बा की बात पर। वो सब जगदम्बा की भुजाएं हैं या नहीं है? हैं? भुजाएं हैं। जो जितनी भी जगदम्बा की भुजाएं हैं वो श्रीमत की लीका का उल्लंघन कर रही हैं कुछ न कुछ या नहीं कर रही हैं? कर रही है।
इसलिए जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। उनको पैदा करने वाली, हिम्मत देने वाली जो माँ है, वो ही वर्षों साथ रहने के बावजूद बाप को नहीं पहचान सकती, छोड़ देती है। तो फिर औरों की तो बिसात क्या है। तो ये हुई दोयम नंबर की सीताएं। ऐसे नहीं, ये गऊए नहीं है, शहद की मक्खियां नहीं है, क्या एडवांस पार्टी की कन्याएं माताएं भी शहद की मक्खियां हैं, और विजयमाला की कन्याएं माताएं भी शहद की मक्खियां हैं। उनकी भी रानी है और इनकी भी रानी है। वो छोटी मक्खियां हैं क्या, और ये बड़ी मक्खियां हैं, बहुत ज्ञान उठाती हैं। लेकिन अंतर है, तुम सात सीताएं हो लेकिन सीताएं सब नंबरवार हैं या एक जैसी है, है? सब नंबरवार। अरे सीताओं क्या, ये तो नहीं कहा कि जो कम नंबर वाली सीताएं हैं उनको राम छुड़ाएगा नहीं। राम आया है तो सब सीताओं को रावण के चंबे से छुड़ा के ले जाएगा, या कोई को ले जाएगा कोई को नहीं ले जाएगा, है? कोई को छोड़ देगा नहीं, सबको ले जाएगा। बाबा ने मुरली में बोला है, मुरली में तो नहीं बोला है, बेसिक में जो संदेश आते हैं उन संदेशों में बोला गया है कि मम्मा ने नेपाल में जन्म लिया है। क्या, कहाँ जन्म लिया है? नेपाल में जन्म लिया है। तो नेपाल माने एनएस है ना, पूछ रहे, नेपाल माने एनएस है ना, एनएस माने नया संगठन, तो नेपाल को नया संगठन कहें है? नेपाल माने क्या, नई दुनिया को, नए संगठन को पालने वाला संगठन। तो सारी ही एडवांस पार्टी नेपाल नहीं है, है? सारी ही एडवांस पार्टी में से नई दुनिया को पालने वाले नहीं निकलेंगे, निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? निकलेंगे। तो सारी एडवांस पार्टी नेपाल है, उसमें दो प्रकार के हैं, एक तो है राजा के राज्य में चलने वाले नेपाली, और दूसरे हैं माओवादी। कौन से वादी? ओ मां वादी। कौन से वादी? ओ अम्मा वादी। दो प्रकार के हैं, एक अम्मा के गीत गाने वाले और एक बाप के गीत गाने वाले। जो बाप के गीत गाने वाले हैं वो पक्के सूर्यवंशी हैं,
जो अम्मा के गीत गाने वाले हैं वो है माँ चंद्रवंशी, तो उसके फॉलोअर भी चंद्रवंशी। रुद्रमाला है तो उसमें सूर्यवंशियों का भी बाप होगा, तो चंद्रवंशियों का भी बाप होगा। इस्लाम वंशियों का भी कोई बाप होगा, बौद्ध वंशियों का भी कोई बाप होगा। रुद्रमाला में तो सब धर्मों के बीज समाये हुए हैं, लेकिन नई दुनिया को पालने वाले दो ही बीज हैं, माँ और बाप। उनको कहेंगे जगत पिता और जगदम्बा। बाबा कोर्स में किसी ने पूछा कि जिस भाई ने क्या आपकी लिखा क्या है, जिस भाई ने संस्था को अपना नाम किया था ना, अच्छा ब्रह्मा कुमारियों की बात है, जिस भाई ने ब्रह्मा कुमारी संस्था को अपना नाम किया था ना, ब्रह्मा कुमारी संस्था को अपना नाम किया, वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट की बात तो नहीं लिख रहे है, क्लियर करके लिखो ना। किसी ने पूछा है कि जिस भाई ने ब्रह्मा कुमारी संस्था को सारी जो होल्डिंग पावर है वो रजिस्टर्ड करा के अपने नाम करा ली वर्ल्ड रूरल ट्रस्ट के नाम से, उसने कुछ माताओं और भाइयों के नाम पर भी संस्था को रजिस्टर किया होगा ना, समझ में आया। जिस भाई ने वर्ल्ड रूरल ट्रस्ट बनाया और ब्रह्मा कुमारी संस्था को अपनी मुट्ठी में ले लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया भ्रष्टाचारी सरकार से, उसने कुछ माताओं और भाइयों तो दोनों का नाम डाला होगा ना उसमें, पूछा। हाँ डाला, उसमें भाइयों का भी नाम था दो एक का और माताओं कन्याओं का भी नाम था। ओम शांति।